नमस्कार। तो आज आप हम गेल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। गेल इंडिया की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर आज 3% की गिराव देखने को मिले। सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखोगे ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक डाउन किया स्टॉक ने, जो एक सपोर्टिव जोन था उसको ब्रेक डाउन करके स्टॉक आज 200 के करीबन ट्रेडिंग कर रहा है। अगर 200 लेवल की बात की जाए, 200 लेवल को मेंटेन करता है या फिर गेल इंडिया लिमिटेड तो पुल बैक आ सकता है। पर पुल बैक के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए वॉल्यूम, वो भी अच्छी क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है तो स्टॉक ने रिकवरी काफ़ी बढ़िया की थी। तो अगर इसी तरह वॉल्यूम्स अभी भी आएंगे तो स्टॉक में एक पुल बैक आ सकता है, फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए तेज़ी बन सकती है। बाकी न्यूज़ भी देखोगे तो रिसेंटली कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है, पर अभी तक क्वार्टर के नतीजे नहीं आए। आने वाले अगले वीक में क्वार्टर के नतीजे आएंगे। अगर नतीजे इम्प्रूव होते हैं तो स्टॉक में वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, जिससे तेज़ी भी आ सकती है यहाँ पे गेल इंडिया के अंदर।